यार बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पान का लड्डू। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पान, नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट्स, मिल्कमेड और गुलकंद। सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं और इसमें पान के छोटे छोटे पत्तियाँ इस तरह से काट लेते हैं। और हमने इसमें लिया है मिल्कमेड 200 ग्राम लगभग। मिल्कमेड को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इस तरह से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बन गया है और हम पैन गरम कर लेते हैं और नारियल का बुरादा 1 मिनट तक हम इसमें भूनेंगे। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे पान का और मिल्कमेड का, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा दूध ले लेते हैं आधा कप के लगभग और इसमें डाल देते हैं। और अच्छे कलर के लिए हमने इसमें फूड कलर डाला है, ग्रीन कलर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसे 1 मिनट तक सिर्फ भूनते हैं और अब हम गैस बंद कर लेते हैं और बनाते हैं लड्डू। लड्डू बनाने से पहले हमने हाथों पर घी लगा लिया है और इसे हाथों पर फैला लेते हैं। अब हम इसमें गुलकंद और ड्राई फ्रूट्स भरेंगे। बॉल बना लेते हैं और बॉल की गार्निशिंग के लिए हमने नारियल का बुरादा लिया है और इसे चारों तरफ से इस तरह से हम घुमा घुमा के लगा देते हैं। इसका लुक अच्छा हो जाता है। पान का लड्डू रेडी हो चुका है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।